मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में पूर्ण बहुमत का तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी लेने वाले प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा को लेकर मंदिर पहुंचे। तुलसी सिलावट ने शेरा के साथ पहले ओंकारेश्वर और फिर खंडवा के दादाजी मंदिर के दर्शन किए। यहाँ पर मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री और विधायक ने ताल ठोकते हुए कहा कि कर्नाटक का वायरस एमपी तक नहीं पहुंचेगा, यहां पूरे 121 विधायक सरकार के साथ 5 साल तक खड़े रहेंगे। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और खंडवा के दादाजी धाम मंदिर में 5 साल तक सरकार चलाने की अर्जी लगाने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट और विधायक सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा ठाकुर ने दावे के साथ कहा कि उनकी सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। दक्षिण भारत और गोवा में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे और राजनीतिक घटनाक्रम के सवालों पर मंत्री ने कहा कि संकट मोचन शेरा ठाकुर मेरे साथ हैं, सरकार बाबा के आशीर्वाद से पूरे 5 साल चलेगी। निर्दलीय विधायक शेरा ने भी कहा कि अफवाहों पर कोई ध्यान न दे और हम पूरी ताकत के साथ कमलनाथ सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार को कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की अल्पमत वाली सरकार को बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक शेरा ठाकुर ने भी समर्थन दिया है। बाबा के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जब आस्था का जन सैलाब हो, विश्वास का जन सैलाब हो, प्रेम का जन सैलाब हो, स्नेह की बात हो, कम से कम मैं बाबा के चरणों में ही आया हूँ। जो ये सरकार बनी है, हर वचन पर खरी उतरे, समाज के हर व्यक्ति का विकास हो, प्रगति हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो, ये कामना मैंने बाबा से की है। बाबा से ये चरणों में निवेदन किया, ये सरकार उनके आशीष से पूरे 5 वर्ष चलेगी। वायरस आएगा नहीं, मैंने कई बार बोल चुका है, कर्नाटक और गोवा का वायरस उधर ही रह जाएगा, साउथ में और बॉर्डर सी शोर पर। मध्य प्रदेश में आने का बड़ा मुश्किल काम है, आ ही नहीं पाएगा, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरे पास बैठे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये सब अफवाह है। पूरे 121 विधायक साथ में है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में है, तुलसी भैया हम लोग सब साथ में काम करते हैं और वो ताकत से सरकार चल रही है। और सब वादे जितने भी है, जितने भी प्रोमिसेज है, जितने भी वचन पत्र में बात की है, वो एक एक करके पूरी हो रही है।